हेलो और नमस्कार दोस्तों, मोनोतोस प्लैनेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग जो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हो या फिर जो लोग जम्मू जा रहे हो, वहाँ पे आप लोग कैसे बेस्ट एंड चीप में स्टे कर सकते हो, रह सकते हो, इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा वहाँ पे श्री वैष्णो माता श्राइन बोर्ड का, जो काली का धाम है और जो वैष्णवी धाम है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वहाँ पे आप लोगों को कितना रेंट आएगा, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, और उसका ठीक बगल में ही यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वैष्णवी धाम, और इसके थोड़ा आगे है कालिका धाम। ये देखिए, ये है कालिका धाम, उससे थोड़ा पहले आप लोग आओगे तो वहाँ पे है कालिका धाम और उधर है वैष्णवी धाम। तो मैं पर्सनली वैष्णवी धाम पे था, तो वहाँ का डिटेल्स मैं दिखाऊंगा, अंदर क्या है, डॉर्मेटरीज वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। ये है यहाँ का रिसेप्शन, यहाँ पे डॉर्मेटरीज मिल जाएगा, रूम्स मिल जाएगा, यहाँ पे भोजनालय है, शॉप है जहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हो। यहाँ पे देखिए भोजनालय कितना बढ़िया है, और यहाँ का खाना भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे बैठ के आप लोग खा सकते हो। अब चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। ये देखिए ऊपर का व्यू है, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा है, और हर टाइम आप लोगों को डॉर्मेटरीज और जो रूम्स है वो हर टाइम साफ़ किया जाता है, नीट एंड क्लीन रहता है। तो चलिए अब मैं एक डॉर्मेटरी के अंदर जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये डॉर्मेटरी ये एसी है, यहाँ पे नॉन एसी एसी दोनों ही है। नॉन एसी डॉर्मेटरीज का किराया पड़ता है आपका 150 रुपये, और एसी डॉर्मेटरी जो है उसका है 200 रुपये। तो ये देखिए कुछ ऐसा टाइप का है, यहाँ पे आप लोगों को बेड के नीचे लॉकर भी मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे रूम्स और डॉर्मेटरीज कैसे बुक कर सकते हो। पहले आप लोग गूगल पे आके सर्च करना है श्री वैष्णो माता श्राइन बोर्ड। जैसे आप लोग सर्च करोगे ऐसा कुछ आएगा, आने के बाद जो पहला नाम आएगा इस पर आप लोग क्लिक करना। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा, यात्रा रजिस्ट्रेशन, श्राइन बोर्ड, एकोमोडेशन, रूम रिजर्वेशन, लॉगिन, एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कुछ दिखेगा। आप लोगों को एकोमोडेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग होगा, उसके बाद ये आएगा। देखो एकोमोडेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। ये अभी लोडिंग हो रहा है, देखिए अब पूरा आ गया है। अब आप लोग नीचे की तरफ आओगे, देखो यहाँ पे बुक एकोमोडेशन भी लिखा है या अदर इवेंट्स लिखा है, पूजा रजिस्ट्रेशन, यात्रा, पूजन, ट्रैवल, ये सब कुछ। आप लोग क्या करोगे, सिंपली ऊपर पे जो तीन डॉट है इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग ऐसा कुछ दिखेगा, होम, होली श्राइन। आप लोग नीचे जो ऑनलाइन सर्विस है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आप लोग को दिखेगा, यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालना। डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करना, उसके बाद आप लोगों को और एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोग अगर यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, तो उससे भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट अपना मोबाइल नंबर देके गेट OTP पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर देके गेट OTP पे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आप लोग को दिखेगा, जहाँ पर आप लोगों का प्रोफाइल, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो एकोमोडेशन लिखा है इस पर आप लोग क्लिक करना। करने के बाद आप लोग ऐसा इंटरफेस पे आओगे, ठीक है। नीचे देखिए सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा, तो चलिए फटाफट मैं भर के आप लोग को दिखा दूँ। लोकेशन जम्मू करना आप लोग, एकोमोडेशन टाइप रूम या डॉर्मेटरी, मैं डॉर्मेटरी में रहूँगा इसमें डॉर्मेटरी। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, एक दिन में रहूँगा। अब चेक इन डेट, ठीक है, चेक इन डेट आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना। तो मैं आप लोग को जैसे दिखा रहा हूँ इसलिए मैं कोई भी एक सा डेट ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ले लेता हूँ जुलाई का 1 तारीख, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैलेंडर चेंज कर सकते हो। मैं जुलाई का 1 तारीख ले रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले कर चुका हूँ, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो 1 तारीख में कर लिया,
अब नीचे देखिए दिखा रहा है अवेबिलिटी, मतलब क्या क्या खाली है वो दिखा रहा है, एसी रूम कितना खाली है, नॉन एसी कितना खाली है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डॉर्मेटरी नॉन एसी रेंट है ₹150, खाली है 129, और यहाँ पे डॉर्मेटरी एसी रेंट है ₹200। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉर्मेटरी एसी पे क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये मैं एक ही कर रहा हूँ, देखिए एक, और उसके बाद टोटल अमाउंट ये ऑटोमेटिक आ गया ₹200। अब नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे इस जगह पे पूरा आ जाएगा डिटेल्स, फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग आई एग्री करके सबमिट पे क्लिक करोगे, आप लोगों को एक प्रिंट, एक मतलब आप लोगों को पर्ची मिल जाएगा, उसको आप लोग प्रिंट करके रखना और ऑनलाइन भी एक साथ में रखना। धन्यवाद दोस्तों।